चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी चना दाल तड़का। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर में डाल देंगे सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हो डाल सकते हैं इसमें। तेल को गर्म हो जाने देंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, एक तेजपत्ता डाल देंगे। दो बड़े साइज का हमने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी डाल देंगे। प्याज को बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे इसे। प्याज को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से प्याज के साथ। अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। इसमें डाल देंगे हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी मसाले को अच्छी तरह से पकाने के लिए। इन सभी को मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे एक टमाटर बारीक कटा हुआ, इसे भी मिक्स करेंगे मसाले के साथ। मसाले को हम बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम डालेंगे अब दाल। दाल को हमने आधे घंटे के लिए पानी में सोख करके ले लिया है, इसे मिक्स कर लेंगे। अब एक कटोरी दाल के लिए हम डालेंगे इसमें ढाई कटोरी पानी। पानी को डालने के बाद इसमें डाल देंगे हरा धनिया। कुकर का ढक्कन लगाएंगे, इससे 6 से 7 सीटी आने तक पका लेंगे। चना दाल तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और सर्व करेंगे आप। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी।